हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम दिखाने वाले हैं कि मेरा बतख को हम खिलाते कैसे हैं। तो ये रहा धान और ये सारा बतख आ गया है खाने के लिए, और इसी के जस्ट बगल में पानी का व्यवस्था कर दिए हैं। और बात आता है कि लो कॉस्ट में खिलाएं कैसे और क्या क्या। तो अभी जो सबसे बेस्ट है मेरा खिलाने का, ये धान अभी खिला रहे हैं ताकि कॉस्ट कटिंग हो और इसको अच्छा गर्मी भी मिले जिससे वज़न बढ़े। तो धान सबसे अच्छा चीज़ है खिलाने के लिए। और 100 बतख है इसमें, एक्चुअली 99 बतख है। एक बतख चिक्स बच्चा में मरा था, तो 99 बतख है। और इसको लगभग 3 से 3.5 KG धान खिलाते हैं एक टाइम में। और हरा चारा के रूप में घास वगैरह सब जो भी मिलता है वो कॉस्ट कटिंग के लिए खिलाते हैं। तो बस सिंपल सा प्रोसेस है, बगल में पानी है, पानी के बगल में जो खाली एरिया है बस इस एरिया में ज़मीन पे ही छीट देते हैं। क्योंकि अगर एक जगह देंगे ना तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके मोटिलिटी फिर होना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए छिड़िया के मतलब इसको फैला करके दे देते हैं। तो अपना ये खाता है, फिर पानी पीने चल जाता है, फिर खाता है, फिर पानी पीता है। जिसका जैसा मर्जी है वो अपने हिसाब से काम करता है। तो कॉस्ट कटिंग के लिए भाई लोग कमेंट कर रहे थे, तो इसलिए हम ये वीडियो बना दिए कि देख लो। बस सिंपल सा तरीका है, साइड में अभी देखो हम तिरपाल वाला वो सिस्टम लगाए हैं पानी के लिए, पानी को रोकने के लिए, क्योंकि गर्मी है और इधर बारिश का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, पानी बारिश हो नहीं रहा है। तो इसलिए वो कर दिए ताकि उसमें पानी ज़मीन में ना सोखे, सिर्फ वाष्प के द्वारा धूप से जो ऊपर जाता है बस उतना ही जाता है। तो बस यही तरीका है कॉस्ट कटिंग करने का। और हरा चारा के लिए आप साइड में देखो वो पेड़ वगैरह सब, सजाना का पेड़ है जो पिछला शॉर्ट्स में हम पूछे थे आप लोग से क्या किस चीज़ का पेड़ है, तो वो सजाना का है, नया अंकुरित हो चुका है। और ये करीब एक महीने के अंदर इतना बड़ा हो जाएगा कि इसका ठार जो है छोटा छोटा पत्ता सब तोड़ करके वो भी धान में मिक्स करके देना शुरू कर देंगे। और उसका पत्ता जो है ना बीपी और बहुत सारा शरीर का रोग के लिए इंसान में भी काम आता है। और फल तो जानते ही हो आप, सब्जी के रूप में बिकता ही है। और पत्ता जो है इंसान के लिए भी, इसका उबाल करके इंसान भी पीता है पानी उसका, और जानवर लोग के लिए भी बहुत अच्छा है। उसको डायरेक्ट पत्ता ही दे दो और इसी धान में मिक्स करके दे दो। मिक्स क्या मतलब, उसको तोड़ो और इस धान के साथ छीट दो, वो खुद ब खुद खा लेता है। और अगर जैसे अभी छोटा गाछ है तो वो ये खुद पत्ता देखो, इधर का जो 3 घास दिख रहा है आपको, इसका पूरा का पत्ता वो खा चुका है। मतलब ये धान वान खाने के बाद, पानी वानी पीने के बाद जाके 2-4 पत्ता 10 पत्ता मतलब खा ही लेता है सब बतख। तो इसलिए मेरा बतख में मोर्टिलिटी नहीं होता है, हुआ है इस बार में। और सबका ग्रोथ भी देखो और पंख भी देखो, एकदम प्योर देसी के तरह दिख रहा है। और जितना अच्छा से पंख आएगा आपको उतना अच्छा रेट मिलेगा, क्योंकि बतख में भी पोल्ट्री बतख जो कमर्शियल फीड बन खिला करके बड़ा करता है, उसमें पंख का ग्रोथ नहीं होता है तो उसका रेट जो है 175-180 रुपया पर पीस रह जाता है 3 महीने के बाद भी। और मेरा बतख कभी भी 250-270-280 से कम में नहीं जाता। वो डिपेंड करता है किस तरफ बेचे, अगर हम एक एक पीस बेचे किसी को तो 350-400 रुपये में आराम से बिकता है। लेकिन जब थोक में लेने आएगा कोई भी व्यापारी तो जाहिर सी बात है वो अपना भी प्रॉफिट देखेगा ना, तो इस वजह से 250-280 तक में जाता है। तो आप लोग कमेंट करो और बताओ हमको कि आपके एरिया में, आप किस एरिया से हो और आपके एरिया में बतख का क्या रेट है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करना, जितना मेरे पास नॉलेज है उतना हम शेयर करेंगे। कुछ भाई लोग कमेंट करता है कि आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो हाँ बेशक नॉलेज नहीं है, क्योंकि इंसान जब बूढ़ा होता है, मरने वाला होता है, तब भी उसको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। तो अब मैं ऐसा कभी दावा नहीं किया हूँ कि हाँ मेरे को सब चीज़ आता है, हर एक चीज़ में मैं ज्ञानी हूँ या और कुछ, ऐसा मेरा कभी भी क्लेम नहीं रहा है। अब मेरा पुराना वीडियो देखो, मैं सिंपल सा बात बोलता हूँ, मैं दूसरे का फॉर्म का वीडियो या दूसरे जगह का वीडियो नहीं डालता, अपना फॉर्म से अपना जो अनुभव है वही शेयर करता हूँ। और अनुभव शेयर करने पर ही हमको इतना अच्छा से प्यार मिल रहा है, तो मैं हमको क्या दिक्कत है। और जो लोग नेगेटिव कमेंट करता है तो प्लीज़ आप करते रहिए, मैं हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पे अपना नॉलेज शेयर करते हैं। कोई झूठा दावा या दूसरे का वीडियो डाउनलोड करके रूम में बैठ करके वीडियो नहीं बनाते। तो इस पे ज़्यादा कमेंट करना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होगा, जो जिसको जो अच्छा लगे वो करो। और धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।